देखो भाव कितना तेज है। अरे यार ये क्यों नहीं समझते। हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब आशके होंगे। क्या कहा, मैं भी आशके हूँ। और दुआ में याद रखना, मनाली पहुँच गया हूँ जैसा कि व्लॉग का एंड दूसरे का किया था और इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। टाइटल से आपको पता लग गया होगा, धोखेबाज नहीं हूँ, मुझे मेरी औकात का पता लग गया भाई। हो 13 घंटे 13 आवर्स कंटिन्यू राइड करके मनाली पहुँचा हूँ। और वीडियो में आपको कह रहा था अभी 5 बजे के बाद जो है ना राइड मत करो। कारण क्या हो गया वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले कर लें अपने नाश्ता, पेट पूजा, फिर काम दूजा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब करो, ढंग से चेक कर लेना, मज़ेदार नोटिफिकेशन के साथ में वीडियो आती रहेगी आपके पास। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यारों दोस्तों मित्रों के साथ में, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो @jatantravel7 नीचे लिखा आ गया आपके पास। पूरा की पूरी बात आपको सच सच बताऊंगा। साथ में जो भैया रुके हुए थे गुजरात के पूरा ग्रुप था, उनकी बहुत हेल्प है। उनको मैंने कहा था प्लीज़ मेरी वीडियो में आओ, वो कहते नहीं, वो थोड़े शाही किस्म के बंदे हैं, वो कहते नहीं, 4-5 जने थे, कहते नहीं यार हम ना बोलेंगे ना। मैं चलो कैमरे के पीछे से बिहाइंड दी कैमरा आप बता दो स्टोरी का, नहीं नहीं नहीं। और अगर वो बंदे भी मेरी मदद ना करते, और परमात्मा की कृपा से मैं यहाँ पहुँच गया और उन बंदों को परमात्मा ने भेजा मेरी जो सहायता के लिए, और मैं यहाँ तक बढ़िया पहुँच गया। नहीं तो 5 बजे कहीं भी पीछे मालो मंडी या कुल्लू के आसपास मैं कहीं रुका होता। तो नाश्ता करने के बाद पूरी स्टोरी बताता हूँ, और इस ब्लॉग में अपने करेंगे मनाली का एक्सप्लोर। और वीडियो को पूरी देखना, बहुत मज़ेदार होने वाली है। मतलब मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा। अब आपको बढ़िया लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना। सुबह से प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की, और प्लानिंग करते करते 2 बजने वाले हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा थक गया था, और आपसे वादा किया था अभी आपको मैं बताऊँगा अभी क्या कारण हुआ। अभी मैं 5 बजे कहने वाला आदमी फुल राइडिंग 16 घंटे की राइडिंग करके, क्योंकि बीच में कभी रुका भी हूँ, 13 घंटे की राइडिंग बनती है, तो करके मैं मनाली पहुँचा। आपको बताऊँगा मैं रास्ते में। अब चल रहते हैं अपने कहाँ, यहाँ का फेमस हडिम्बा देवी टेम्पल। रात को तो मुझे पता नहीं लगा, बट जो जहाँ मुझे होटल मिला बहुत बढ़िया लोकेशन है, सामने पहाड़ हैं और मज़ा आ गया। और माल रोड के पास में लिया है अपने, और इस वक्त अगर आप सामने मिरर में मुझे देख सकते हो किस तरह की हालत है, एक तरफ हेलमेट और दूसरी तरफ बैग। तो जी ये अपनी बाइक सिम्बा, और ये मैंने यहाँ से लेके लगाया, इससे थोड़ी फीलिंग सी आ जाती है ना जी। आपसे बात, मैंने आपसे वादा किया था आपको बताऊंगा। बात ये हुई जब मैं वहाँ से निकला जो है मंडी के पास में, तो मंडी रह गया था 10 किलोमीटर 15। तो मैं वहाँ जो है ना चलता गया, और मंडी एक साइड में रह जाता है, तो मैंने नहीं दिया ध्यान, मैं मंडी से निकल गया आगे 10 किलोमीटर, और जैसे ही 10 किलोमीटर आगे निकला रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो गई, पहाड़ गिर गया, जिसके कारण मैं फंस गया वहाँ। जब मैंने पूछा वहाँ, एक मिनट ये रुको, ये देखो कितनी मस्त चीज़ है ना, साथ साथ बातें साथ साथ चीज़ भी दिखाऊँगा। तो जब मैंने वहाँ किसी से पूछा भाई यार मंडी कितना रह गया, क्या आप तो मंडी से भी 10 किलोमीटर आगे निकलाए। तो मैं वहाँ चलो उस जो ट्रक ड्राइवर का भी थैंक यू करते हैं अपने, वो कहते भैया 10 जाओगे फिर कल 10 वापस आओगे, 20 तो ये हो गया, आप निकल जाओ कुल्लू। जैसे ही मैं कुल्लू आया, और वहाँ अपने वो गुजराती भाई आपको मैंने बताया था ना, जो अब तो आज तो निकल गए, उन्होंने मुझे कहा भी आप जो है ना मनाली चलो, कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ में हैं। तो फिर क्या था, फिर आपके भाई ने फेंट दी गाड़ी और अपने रात पहुँचे हैं यहाँ मनाली। ओल्ड मनाली यार वाकई नज़ारेदार है, पुराने पेड़, पुराने घर है ना, पुराना इनका ट्रेडिशनल जो है ना वो कल्चर, मस्त है मामला भैया। हडिम्बा देवी मंदिर सीधा ही है, बिल्कुल पास में है क्या? ओके थैंक यू।
लो जी पास में है रिम्बा देवी मंदिर, और वो देखो ऊपर ऊपर देखो पहाड़ों का नज़ारा। और यहाँ भी मुझे एक मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा चला के, 190 मीटर से मुड़ने का बता रहा है ये नेविगेटर। पहले एक बात आपको और बताऊं, नेविगेटर ने मुझे गलती कहीं और ही ले गया ऊपर चढ़ा के और रास्ता बंद हो गया। ये भी पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाती, समझ से बाहर है मेरे को यार। वाकई जन्नत है यार, जन्नत है ना यार। नेविगेटर पर कई बार इतना गुस्सा आता है जीपीएस पर, मेरे को 3 किलोमीटर का चक्कर डलवा दिया। जब चक्कर डलवा दिया कोई बात नहीं, मैं रास्ता गलत आ गया, कोई सिस्टम नहीं है यार इसका यार। और बहुत बार हो चुका है ये, बड़ा खतरनाक रास्ता है यार ये तो। बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं मेरे ख्याल, कम से कम 100 साल एज होगी इनकी। देखो लाइट भी नहीं आ रही, अच्छी अच्छी लोकेशन है और बहुत बढ़िया। कभी ऊपर कभी नीचे, और ये रहा आ गया जी हनुमान मंदिर, यहीं बिल्कुल पास में आ गए अपने हनुमान मंदिर के। और यहीं पर बाइक्स वगैरह मिलती हैं रेंट पर, थोड़ा चल के है तो बाइक यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, भैया कहते भी चल के जाना पड़ेगा तो क्या लाज है। बाकी इधर मोबाइल ने कहा है यहीं पास में है, कई बार तो गड़बड़ कर देता है यार। तो हेलमेट रख दिया अपने उधर, और अब अपने चलते हैं ऊपर टेम्पल की तरफ। रास्ते में बहुत बढ़िया उन्होंने लगा रखी हैं स्टॉल्स वगैरह, अगर आपको प्रसाद वगैरह लेके जाना है तब लेके जा सकते हो। भैया क्या रेट है इसका? सर अलग अलग रेट है, कौन सा चाहिए आपको देख लो। चाचा चाची हैं, दीदी जी जू सबके लिए है, मॉम डैड ब्रो सिस दीदी जी जू मॉम डैड ब्रो ब्रो। फिर इधर देख लो पेंटिंग में बनाना है आपको। अरे नहीं मैं वो पूछ रहा हूँ, मॉम डैड ब्रो ब्रो लिखवाना तो लिख देंगे। अच्छा आप ही करते हो पेंटिंग, बहुत बढ़िया पेंटिंग है आपकी। 50 रुपए बटने। अरे शक्ल तो दिखा दो इसकी, शक्ल बट के तब ही आएगा ना, जब शादी करते हैं तो वही खर्चा करके तब ही भगवान को देखते हैं, शादी नहीं करेगा तो ये देखते हैं। अच्छा वेरी गुड, बट जाते हैं आ जाए फिर आके आके आगे नहीं है बट के फोटो आता है 50 रुपए क्या ज्यादा थोड़ी है। लो जी पहुंच गए, रैबिट असली का है, असली का है, असली का रैबिट है। फोटो खींचो पुराना फोटो। लकड़ी है ये सारी, हाँ जी माथा टेक लिया है। और आप सबको मैं बता दूं, ये हनुमान देवी हुई हैं भीम की पत्नी, और वो पैदा तो हुई थी राक्षस कुल में परंतु अपने कर्मों से वो देवी बन गई। और दुर्गा माता की उसने तपस्या की, अंदर एक स्टैचू या मूर्ति पड़ी है जो दुर्गा माता की है, और अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, उसी वही मूर्ति की वो पूजा करते थे। और ये जो लकड़ी का काम हुआ है, ये जितना भी आप देख रहे हो इधर, ये जो लकड़ी का काम है ये 1500 के आसपास हुआ है, मतलब 15 या 16 सेंचुरी के आसपास। एक बात और बतानी भूल गया, अंदर एक गुफा है उस गुफा के नीचे, और वो गुफा ऐसे पूरी जैसे अपने तिरछी कह देते हैं वैसी है, और उसके वहाँ जो है ना चरणों की भी वो बनी हुई है जो है ना वहाँ, बहुत बढ़िया है। लो जी हनुमान देवी टेम्पल से निकल चुके हैं, ये सबसे इजी रास्ता था इधर से, और जीपीएस ने घुमा के पता नहीं कहां कहां से किधर को ले गया। अब अपने एक बहुत बढ़िया लोकेशन पर आपको लेके चलते हैं, मुझे अभी अभी भैया ने बताया, कहते एक बहुत बढ़िया लोकेशन है आपको मैं बताता हूं, और वो जगह पर आपके लेके चलता हूं मैं। वीडियो को पूरी देखना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। मौसम ने ना एकदम से करवट ले ली एकदम से, और बहुत बढ़िया माहौल है, मौसम एकदम मौसम हो गया है। और इधर पेड़ देखो कितना पुराना पेड़, और मैं एक आपको कहा था एक चीज़ दिखाऊंगा, एक व्यू दिखाऊंगा, मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। मौसम थोड़ा सा पहले ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी उस कारण मैं रुक गया था, रिस्क नहीं लेना बस अपने, ठीक है। अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है और सड़कों पर मुझे क्राउड दिखा है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। इधर देखो क्या मौसम हुआ है, इतना बढ़िया मौसम है ना इधर देखो, वाह। तो टंकी फिल करा लें, सिम्बा को भूख लगी है,
अभी थोड़े ही निकले आगे, मेरे को एक लोकेशन दिखी बहुत बढ़िया सी। क्या बात है, थोड़ी गलती कर दी मैंने, इस जगह लेना चाहिए था मुझे रूम ना। अभी पहले मैंने थोड़ा सा क्लच चेक कराया, वो अंकल बहुत बढ़िया नेचर है। मैंने कहा अंकल पैसे, कहते नहीं पैसे नहीं लेने बेटा। मैं जो लोकेशन आपको दिखाना चाहता था ना वो ये है, मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि भैया नीचे चले जाना, एक ऐसा नज़ारा मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पहाड़ देखो यार, यहाँ से रोकता हूँ मैं यहाँ, एक मिनट रुको, रुको। यहाँ से पहाड़ देखो, ये देखो, और ये नीचे का रास्ता। वो अपने देखते हैं आगे तक चलते हैं। अरे वाह, बाइकर्स ही बाइकर्स, लद्दाख कैरियर, और ये सारे लद्दाख की तरफ ही जाने वाले हैं मेरे भाई जितने भी हैं। चलो भाई मैं कोशिश करता हूँ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बाइक अभी यहाँ से बाइक गई है, बहुत ज़बरदस्त बाइक, कोशिश करता हूँ पकड़ने की, अगर मैं पकड़ पाया तो उसको। लो भाई पकड़ी थी आपके भाई ने ये वाली बाइक। एकदम मैं यहाँ खड़े होके बिल्कुल पानी की झरनों को देख के जितना भी स्ट्रेस है माइंड का सब दूर हो जाता है। वो देखो पास में जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है, कभी नहीं ऐसे जाना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। वो देखो जा रहे हैं ना इतना, और सबसे बड़ी बात बहाव बहुत तेज है वहाँ यार, ये लोग क्यों नहीं समझते। लो भाई साहब अब लोकेशन देखो, इनकी बात कर रहा था मैं, ये जो खड़े हैं ना सरदार जी, ये बहुत देखो भाव कितना तेज है। अरे यार ये क्यों नहीं समझते। तो जी अब थोड़ी देर यहाँ लेते हैं नज़ारे, और मैं वो बता रहा था ना उधर से आया था जो यहाँ सरदार जी बैठे थे, उनको मैंने कह दिया मैं भाई साहब गिर जाओगे, देखो वहाँ भाव कितना तेज है उस जगह। चलो उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरी बात को। और एक बात आपको और बताता हूँ, वो सामने पत्थर दिख रहा है नदी के बीच में, काफ़ी बंदे क्या करते हैं जब भाव कम होता है ना पैदल जाके मतलब थोड़ा बीच में से होके वहाँ चले जाते हैं, और कुछ मिनटों में कई बार क्या पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और जान जोखिम में आ जाती है। इसलिए आग पानी और ऊंचाई, इससे क्या यार क्या मजाक करना है, अपनी छोटी सी लाइफ ऐसे ढंग से लो। अब मैं वहाँ जाके फोटोवे खींचने लग जाऊँ तो मरूँगा ही। बस यही मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहता था। वहाँ ना एक भैया जा रहे थे, मैंने उनको पूछा, मैं कहा भैया कोई ऐसी लोकेशन बताओ यहाँ तो गाड़ियाँ वगैरह कोई, कहते भैया यही रास्ता लेक हो जाता है, थोड़ा सा आगे चले जाओ आप तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर इधर आके एक तो मुझे बोर्ड मिल गया अटल टनल का, अटल टनल मनाली से 24 है और 426 किलोमीटर ले है, और स्पीति के पास में काजा करके जगह है वो है 174 कुछ इतना ही है। तो इस जगह मैं अब रुका हूँ, मैं चाहता था कोई मुझे ऐसी डेस्टिनेशन मिले जहाँ 10-15 मिनट 20 मिनट मैं सभी बातों को बुलाकर टेंशन को दूर करके नेचर की गोद में एक डीप सी ब्रीथ लेके नज़ारा लूँ। गुलाब जामुन के बेटे बेटे ये मनाली के फेमस लोकल डिश है, मनाली के बेटे, इसमें मावा भी डलता है मावा। लो जी अपने आ चुके हैं माल रोड, और यहाँ भी कहते हैं गुलाब जामुन के छोटे बेटे। तो मैंने कहा चलो मना माल रोड भी घूम लें, काफ़ी क्राउड है और मास्क बहुत कंपलसरी है, चलान कट रहे हैं यहाँ अगर जो मास्क नहीं लेता। एक बार देखो आप, देखो माल रोड की रौनकें, ऐसे लग रहा है जैसे सारे का सारा इंडिया ही यहाँ आ गया हो, खाने पीने का फुल नज़ारे। अगर मैंने यहाँ एक कैफ़े देखा था मैंने यहाँ, वहाँ चलते हैं ऊपर है, ये रहा रूफ टॉप नूडल्स, चलते हैं ऊपर। लो जी अपने आ चुके हैं रूफ टॉप पर। तो मेरे दिल की बहुत बड़ी एक तमन्ना थी भी मैं कहीं भी हिल स्टेशन जाऊं वहां रूफ टॉप पर बैठ के मैं जो है ना कुछ कॉफ़ी वगैरह पीऊँ या कुछ खाऊँ पीऊँ, बट अभी जो मुझे नीड है वो एक कोल्ड कॉफ़ी की है, क्योंकि जाकर मैंने पैकिंग करनी है।
और इसमें भी एक सस्पेंस है, हो सकता है मैं घर को वापस निकल जाऊं, हो सकता है मैं आगे की तरफ ले या स्पीति की तरफ चले जाऊं, इसमें भी एक सस्पेंस है मैं भी मैं ले की तरफ जा रहा हूं या स्पीति की तरफ जा रहा हूं, उसमें भी एक सस्पेंस है स्पीति की तरफ पहले जाऊंगा या चंद्र ताल की तरफ पहले जाऊंगा। तो आप देखते रहें व्लॉग को, इस व्लॉग में नहीं, इसके अगले व्लॉग में आएगा, सुबह से उसकी इतनी बढ़िया से स्टार्टिंग कर देंगे। रास्ते में जो है चाचा चाची ढाबा है, और एक ऐसा ढाबा है जहाँ पर गवर्नमेंट ने या किसी भी सोर्स के थ्रू उन्होंने वॉकी टॉकी दे रखा है, और ऑल ओवर इंडिया वो फोन बुला के देते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी नेटवर्क इशू है। तो थोड़ा बहुत डर इसी चीज़ का है, इसी कारण जो है ना मैं 100% श्योर नहीं कर पा रहा भी मैं स्पीति की तरफ निकलूँ या वापस जाऊँ। तो ज़िंदगी में एडवेंचर करने चाहिए, बट मैं हूँ सोलो, और मैंने आपको कहा था अभी अपने पंगा नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना है ना। चलो वो छोड़ो बातें, आप देखो बढ़िया लोकेशन है, इसको अपने सेमी रूफ टॉप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, और हाँ यहाँ से वो पहाड़ ऊपर देखो, ऊपर से बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ कि औसम है। फैमिली के साथ में आने का तो मज़ा ही अलग है। कॉफ़ी बहुत मस्त थी, एकदम एनर्जी आ गई, बिल्कुल फ्रेश वाली होती है ना जो जिसको ग्राइंड करके बनाते हैं, वो वाली कॉफ़ी थी ये, बहुत मस्त थी। एक कल मैं ना जब रात को पहुंचा हूँ यहाँ, एक शॉप थी और वहाँ उन्होंने मुझे यार चाय पिलाई, बंद कर रहे थे क्लोजिंग, फिर भी चाय पिलाई यार। इस तरीके की मनाली की हॉस्पिटैलिटी है, बहुत बढ़िया बात है ये। सांस चढ़ गया, मनाली का जो एल्टीट्यूड है 2050 है समुद्र तल से। अभी तो अगर मान लो आगे चलते हैं तो वहाँ और भी हवा जो है ना ख़राब करने वाली है, कहते हैं वहाँ सांस चढ़ जाता है बंदे को। चलो देखेंगे अगर उधर को जाना हुआ तो। इस वीडियो को करते हैं अपने यहीं एंड, अगर कुछ भी बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक लिए सबको बाय बाय और सत श्री अकाल, और दुआ में याद रखना यार।